हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो है हर्बल लाइफ यूज़ करने के बाद और उसको छोड़ने के बाद वजन फिर से क्यों बढ़ता है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब फिटनेस एडिक्शन में। मैं हूँ मोहिनी, आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में लाते रहती हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फिटनेस एडिक्शन। हम शुरू करते हैं आज की हर्बल लाइफ सप्लीमेंट लेने के बाद में। वैसे तो जो हर्बल लाइफ है, जो एसोसिएट है, वो बताते हैं कि दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट, दिस इज अ फूड। तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है कि हर्बल लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हर्बल लाइफ मैंने जब तक लिया मेरा वजन कम होता चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा हर्बल लाइफ फिर से मेरा वजन डाउन होना शुरू हो गया। तो ये क्या कारण है? देखिए, इसका एक ही कारण है। चाहे आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से वजन कम करें, चाहे आप डाइटिंग से करें, जो डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा कर आप डाइटिंग करते हैं उससे आप करें, चाहे आप सप्लीमेंट यूज़ करें, चाहे वो हर्बल लाइफ है या कोई भी है, उसके बाद में अगर आप छोड़ते हैं और आपका रूटीन सही नहीं होता है, आपका रूटीन, आप सब चीज़ें आपकी, चाहे वो सोने का, खाने का, पीने का, जो भी आपका रूटीन है, उस पर डिपेंड है उसमें, तो आपका वजन डाउन होना ही होना है। और आप जो लोग हर्बल लाइफ यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा फिर से डाउन हो गया है वजन, उनके साथ में यही कारण है कि वो फिर से वही अपने वहीं पर आना शुरू कर देते हैं। लेट उठना, एक्सरसाइज करना करना, और जो भी मिला वही खा लिया, उसमें वो सारा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन की मात्रा कम है, मतलब प्रोटीन हम लेना कम कर देते हैं। इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, एंड फैट भी हम उसके साथ में ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो यही वजन बढ़ने का कारण होता है कि लैक ऑफ प्रोटीन इंडियन फूड। तो हमें ये देखना है कि हम जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं, इनको छोड़ने के बाद में आपको अपना रूटीन बहुत अच्छा रखना है। आपको डेली एक्सरसाइज करना है 45 मिनट्स। आपको वाटर इनटेक अपना सही रखना है, 8 to 10 ग्लास वाटर आपका होना ही होना चाहिए। और डाइटिंग के बाद भी आपको अपना खाना बिल्कुल सही रखना है। और हाँ, एक दिन आप चीट डाइट अगर करना चाहते हैं तो चीट डाइट बिल्कुल कर सकते हैं। चीट डाइट में आप पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से, आप पूरा वीक है आपने बहुत अच्छे से अपना डाइट रखा है, आपने कोई भी उसमें आपने कुछ भी उपटांग नहीं खाया है, तो आप एक दिन आप ऐसा खा सकते हैं जो आपका, जैसे बहुत से फास्ट फूड है, समोसा खाते हैं, मोमोज है, और मैक्रोनी, इस तरह का जो भी आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन वो भी वीक में केवल एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके साथ में आपको एक्सरसाइज डेली 45 मिनट्स रखना है, वाटर इनटेक रखना है। अगर आपका ये रूटीन बिल्कुल ठीक है, सोने का, उठने का, ये भी आपको बिल्कुल ठीक रखना है, अपना टाइमिंग, अपना खाने का टाइमिंग भी सही रखना है। आप जैसे ही ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, डाइटिंग, सप्लीमेंट एंड एक्सरसाइज, आप क्या करते हैं कि आप से वही रूटीन की 11 बजे सोना, 12 बजे सोना, खाना 11 बजे खाना, ये सब चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी ये चीज़ें सब सही रहेंगी तो आपका कभी भी लाइफ में वेट पुट ऑन नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ही देखनी है, आप ही अपना रूटीन बिल्कुल सही रखेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि कहीं सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट तो नहीं होता। देखिए, जब भी आप कोई सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करने जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल श्योर हो जाए आपकी, आपको कोई भी किडनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस सप्लीमेंट्स को शुरू करें। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आप अगर वाटर इनटेक कम रहा तो आपको बिल्कुल इनसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप ये पहले, इनको शुरू करने से पहले बिल्कुल श्योर हो जाए कि आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट का शायद जो कि बनाए गए हैं वेट के लिए, वेट कम करने के लिए, तो जो बनाए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका इफेक्ट है ही। और अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो उन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
और जब हम इनको यूज़ करते हैं छोड़ने के बाद में भी हमें रूटीन बिल्कुल सही रखना होता है। हाँ, जिनका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक्सरसाइज से अपना वजन कम करें, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन वजन बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी को नी प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता है, अपनी में प्रॉब्लम होती है, वजन बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट के थ्रू अपना वेट कम कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो उनके साथ में, जरूर रखें आधे घंटे की, कैसी भी एक्सरसाइज हो लेकिन आधा घंटा जरूर से एक्सरसाइज करनी है सप्लीमेंट के साथ में। वाटर इनटेक बहुत सही से ध्यान रखना है आपको, 8 to 10 वाटर जो ग्लास वाटर आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। इसलिए आप ये चीज़ें ध्यान रखें तो आपको किसी सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट नहीं होगा और वेट पुट ऑन भी नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो इसी के लिए था कि वजन पुट ऑन क्यों होता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपना वाटर इनटेक का, अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम और डेली 45 मिनट एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कभी भी लाइफ में आपका वजन पुट ऑन नहीं होगा। ओके, थैंक यू, डू लाइक डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।